देखिए यहाँ पे कितने बेहतरीन फल लगे हुए हैं। ये भी हम आए हुए पहाड़ी ग्राउंड के पास। ये पहाड़ी ग्राउंड के पास काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे साफ़ सुथरा फल मिल जाता है। लेकिन कितना फ्रेश यहाँ पे ये सारा फल पड़ा हुआ है। अभी ये मैं बाहर से नान एक लेकर आया था और साथ मैंने ऑमलेट खाना था नान के साथ, तो ट्राई किया ऐसे ही उसके ना ऊपर ऑमलेट लगा के, तो ये काफ़ी बेहतरीन ही नान बन गए। ये देखें ये ऑमलेट वाला नान बन गया। ये देखें ये नान है, तंदूर से लेकर आया था बाहर से, उसके ऊपर अब ये ऑमलेट हमने लगा दिया था। इसके अंदर मिर्चें प्याज वगैरह सारा ऑमलेट वाला जो होता है मसाला वो इसके ऊपर हमने लगा के इसको पकाया, और ये काफ़ी बेहतरीन ये देखें लग रहा है। ये नान वाला ऑमलेट अब बन चुका है। काफ़ी भूख भी लगी हुई थी अभी, ये नाश्ता भी हम कर रहे हैं साथ इसके दही, दही के साथ फिर और भी मज़ा आता है। अभी इसको ट्राई करते हैं। इस नान का वजह से ये बहुत क्रिस्पी हुआ है, बहुत ही कुटकड़ा सा नान लग रहा है, और साथ इसके ऊपर अंडा है क्योंकि इसकी वजह से और भी मज़ेदार हो चुका, काफ़ी बेहतरीन ही हो चुका है क्योंकि नान की क्रिस्पी बन की वजह से और वो अंडे के जायके की वजह से बहुत मज़ेदार हो चुका है। हम सिंगाड़े लेने आ गए। सिंगाड़ों का क्या रेट है? दो किलो हम इससे कच्चे सिंगाड़े ले रहे हैं। घर वालों को पसंद है और मुझे काफ़ी पसंद है, काफ़ी बेहतरीन है। ये देखिए काफ़ी सही है ये सिंगाड़े। तो आज का व्लॉग यहाँ पे हम करते हैं ख़त्म। उम्मीद है आप सबको मज़ा आया होगा।
वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।